नमस्कार प्रणाम आप सभी को पैर छुके मेरे भाई लोग। पवन सिंह द्वारा पांच खींची गई लकीर को खेसारी लाल यादव ने कैसे तोड़ा है, मैं इसी पे बात करूंगा और प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। ये जो मूर्ख सिंह मुकुट कुछ वीडियो दिखाया उसी का मैं जवाब के तौर पे लाया हूं और दिखाऊंगा सबूत के साथ। तो थोड़ा गौर कीजिएगा और वीडियो को शेयर मारती रहिएगा। देखिए पवन सिंह जो 2018 में ये गाना गाए थे, इसी को राजन सिंह मुकुट दिखा रहा था कि ये ट्रेंडिंग में आया था, जो ये सॉन्ग है 2018 में ट्रेंडिंग में आया था ये बता रहा था। तो मेरे भाई इससे पहले खेसारी लाल यादव जी का एक वीडियो जो भोजपुरी का सबसे पहला ट्रेंडिंग वीडियो, जो खेसारी लाल यादव यहाँ बैठे हैं देख सकते हैं 26 नंबर ट्रेंड कर रहा है खेसारी लाल यादव जी का वीडियो। तो यहाँ से पता चलता है पवन सिंह के पहले लकीर का जो है खेसारी लाल यादव ने जवाब दे दिया है, तोड़ दिया है। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं कर मेरे भाई लोग। दूसरा है लॉलीपॉप लागेलू सॉन्ग, जो इसे बताता है राजन सिंह मुकुट कि यह सॉन्ग पूरा इंटरनेशनल नेशनल लेवल तक है, जो पूरा देश विदेश इसे सुनता है। तो मेरे भाई अगर इसे देश विदेश सुनता तो क्या यह इतना ही बस चलता? देख लीजिए यह जो निजी चैनल पे है इसका 200 कुछ मिलियन है, तो इसको तो लमसम कितने मिलियन में होना चाहिए आप ही बता सकते हैं कितने मिलियन में हो, जो इंटरनेशनल लेवल सॉन्ग है जो वो कहाँ तक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्या है, मैं इसे हकीकत बताता हूँ मेरे भाई लोग। हमारे इंडिया में भी अभी बहुत से जगह है जहाँ भोजपुरी गाना नहीं चलता है, तो क्या अदर देशों में भोजपुरी गाना चलता होगा? नहीं चलता होगा मेरे भाई, कदापि नहीं चलता होगा। यह कैसे चला, मतलब कैसे चला अमेरिका देश में, चाहे बाहरी देश में कैसे चला, मैं आपको बताता हूँ। मानिए हमारे भोजपुरी समाज के लोग वहाँ गए होंगे, वहाँ बसे होंगे, जो कुछ पैसे वाले होंगे, तो वहाँ पे इन लोगों ने इस प्रकार डीजे पे बजा के या मतलब डांस वांस किया होगा, तो थोड़ा लोग जान गए होंगे कि हाँ पवन सिंह का यह सॉन्ग है लॉलीपॉप लागेलू। अगर इस तरह अगर चलता पूरा इंटरनेशनल लेवल तक तो ये गाना बहुत बिलियन क्रॉस कर चुका होगा। तो इस तरह का ये अभी लकीर एक तरह से गलत है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। मेरे भाई लोग अब बात आती है हिंदी के तीसरी चैनल पे पवन सिंह सबसे पहली बार गाए, लूट गए गाना गाए, सबसे पहला हिंदी का गाना गाए। तो मेरे भाई तीसरी चैनल पे सबसे पहले गाना तो गाए, लेकिन सबसे ज्यादा ये जानते हैं भारत का सबसे बड़ा मतलब इंडिया का सबसे बड़ा चैनल है टीसीरीज, जो 200 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर है, इसमें इन्होंने गाया तो इनका लूट गए सॉन्ग अभी 20 मिलियन चला है मात्र, जिसका सब्सक्राइबर 200 मिलियन क्रॉस है प्लस है, उसमें इनका गाना बस 20 मिलियन चला है, जिसमें बढ़िया बढ़िया कलाकार हैं, एक्टर है इसमें, जो ये इमरान हाशमी जो है ना हिंदी के, वो तीन ब्लू ट्रिक वाले मिल के गए, उसके बाद भी ये 20 मिलियन चला। और इनका रिकॉर्ड कैसे हमारे भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी ने थोड़ा देखिए, यह छोटे लेवल छोटे चैनल से गाएँ, मतलब अपना तेरे दरमियाँ सॉन्ग गाएँ, जो अभी तक 24 मिलियन है, इधर देख सकते हैं इधर इनका देख सकते हैं, अब इनका रिकॉर्ड यहीं से इनका ये भी लकीर ख़त्म हो जाता है। तो अब मतलब का अब लकीर क्या लकीर है हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ से इनका जो टी सीरीज का चैनल जो है, जो हिंदी ये भी गाए थे लेकिन इनका रिकॉर्ड यही तोड़ दिया तेरे दरमियाँ, जो सबसे ज़्यादा दिन तक ये तेरे दरमियाँ जो ट्रेंडिंग में रहा ये सॉन्ग रहा। तो आप समझ सकते हैं मेरे भाई लोग, जो इसमें इस सॉन्ग में तीन बड़े बड़े कलाकार मिलकर, तीन ब्लू ट्रिक वाले सुपर स्टार मिलकर गाए थे, ये सबसे बड़ा चैनल पे पड़ा था, और खेसारी लाल का छोटे चैनल पे मात्र एक और दो मिलकर कलाकार एक सिंगल गाए थे, और बस एक और कलाकार मिलकर गाए थे। तो आप देख सकते हैं इसका लकीर यहीं से खत्म होता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है मेरे भाई लोग। अब बात आती है रेंगने की, देखिए कौन रेंग रहा है कौन नहीं रेंग रहा है। पवन भैया के पहले ये वीडियो देख लीजिए, जिस वीडियो में पवन भैया बोले हैं कि जो मैं करूंगा उसी पे तुम लोग रेंगोगे। तो मेरे भैया मेरे भाई बस आप लोग इतना बता दीजिए, क्या जो रितेश पांडे हैं क्या उसी पे रेंग रहे हैं? इनका तो गाना 800 प्लस है, 800 मिलियन प्लस है, तो क्या पवन भैया उसी पे रेंग रहे हैं? लेकिन रितेश पांडे तो उनसे हेल गए। बहुत ऐसे अवनीश बाबू ऐसे करके उनका भी 500 मिलियन क्रॉस कर चुका, बहुत ऐसा सॉन्ग है जो कलाकार है उनका जो सॉन्ग है वो 500 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो इससे पता चलता है कि पवन भैया अभी उसी पे रेंग रहे हैं, और उनसे छोटे छोटे कलाकार जो उनसे आगे हिल गए, रेंगते रेंगते बहुत आगे हिल गए। हमको सिखा दिया है। तो इस प्रकार का घमंड आप मत दिखाइए, क्योंकि कब कौन सा कलाकार आपसे आगे चला जाएगा किसी को पता नहीं है, चाहे खेसारी हो या पवन हो। अगर आप लोग घमंड करेंगे कि हम जो कर देंगे वो कोई नहीं कर पाएगा, तो ये गलत बात है। ठीक है, आप लोग उसी पे करते रह जाएंगे, आज छोटे कलाकार आप लोग से आगे चले जाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए आप खुद सबूत के तौर पर देख लीजिए, रितेश पांडे जी का 800 प्लस हो गया, अवनीश बाबू का बहुत प्लस हो गया, अंकुश राजा का भी 500 मिलियन प्लस है, बहुत ऐसे कलाकार हैं जो उनका प्लस हो गया है, अब इन लोगों का वैसे ही है उसी पर रेंग रहे हैं, यहां से बात पता चलता है। मेरे भाई लोग ये वीडियो देख के आप लोग समझ गए होंगे क्या सही है और क्या गलत है। अगर नहीं समझे हैं तो मैं फिर से एक बार आपसे बता दे रहा हूं। मानिए कोई टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, उस टूर्नामेंट में पहली टीम भाग लेती है, तो अब ये थोड़ी ना कहे कि हम इस टीम में सबसे पहले हैं, सबसे बड़ा विजेता हैं,
अरे वो अभिजेता होता है जो फाइनल लेकर जाता है, ठीक है। तो पहले करने वाले से नहीं मतलब है, जो सबसे मतलब महान हो, जो बढ़िया काम करे उसे देखा जाता है, ठीक है। जो बराबर मार्केट में चले उसे देखा जाता है। तो आप लोग देखते ही हैं मार्केट में कौन है और कौन नहीं है, फाइनल कौन ले जा सकता है और कौन नहीं ले जा सकता है। समझ रहे हो ना। मैं ये नहीं बोला हूँ कि खेसारी ही फाइनल ले जाएंगे, अबे उनसे अच्छे कलाकार भी हैं। अवनीश बाबू आप लोग जानते होंगे, अवनीश बाबू जो सबसे बढ़िया सॉन्ग भी गाते हैं, डांस भी अच्छा करते हैं। उनका डांस कोई उनके जैसा कोई डांस नहीं करता होगा, हमारा लग रहा है भोजपुरी में सबसे बढ़िया एक्टर, बढ़िया डांसर हैं। बस उनके जो भी है अभी लोग उतना मतलब जानते नहीं होंगे, लेकिन जानते तो हर कोई है, लेकिन उनका कोई सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन देखिए मेरे भाई लोग, मैं यही बोल रहा हूँ कि भोजपुरी में किसी काम पहले एंट्री मारने से नहीं होता है। एंट्री मारिए लेकिन जमे रहिए, बने रहिए, उसे कहते हैं असली मर्द, उसे कहते हैं असली एक्टर, ठीक है। तो पहले आप टूर्नामेंट ही देख लीजिए, जो पहला एंट्री मारता है हार के चला जाता है, जो फाइनल ले जाता है वही विजेता कहलाता है। बस आप लोग समझ गए होंगे, बस इतना ही बोलूँगा। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को, पैर चुके। तो इस वीडियो को इतना शेयर मारिए कि मेरे भाई राजन सिंह मुकुट यानी मूर्ख सिंह मुकुट के पास पहुँच जाए, और इस तरह का वीडियो ना बनाए जिसे विवाद हो और पवन खेसारी के फैन आपस में लड़ें। बस इतना बोलूँगा, वीडियो को शेयर जरूर मारिएगा, क्योंकि अगर शेयर नहीं मारेंगे तो उनके पास पहुँचेगा नहीं। बस रिक्वेस्ट है मेरे भाई लोग, वीडियो को शेयर मार दीजिएगा थोड़ा। तो बस इतना ही बोलूँगा, नमस्कार।